वेलकम टू speedanny.com। कमोडिटी ट्रेडिंग का ऑनलाइन कोर्स आप लोग कर रहे हैं और इसमें काफ़ी बारीकियां उनको सीखने की ज़रूरत है, पर आज हम एक ऐसा मॉडल आपको दिखाने जा रहे हैं जिस पे प्रैक्टिस करके आप बहुत आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। दिस इज ट्रेडिंग रोबोट मॉडल। ट्रेडिंग रोबोट जहाँ पे कोई इमोशन, कोई प्रेडिक्शन, कोई कॉम्प्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं है। सिंपली हमने ऑर्डर प्लेस करके रखे हैं, जैसे जैसे बाजार में मूवमेंट आता जाएगा आपको प्रॉफिट आता जाएगा, आप बुक करते जाएं। बाय द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि 3 to 5,000 का सेफ विदाउट एनी प्रेशर प्रॉफिट आपके पास आ चुका है और ये चीज़ सभी अप्लाई कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मूवमेंट के कौन कौन से टाइमिंग हैं जिन पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं? 11:54 सुबह, 11:54 लगभग 12 बजे के आसपास। फिर हम बात कर सकते हैं 1:54 पे या 2:29 मान लीजिए, क्योंकि 2:30 बजे कई बार डाटा आता है तो उस वक्त मूवमेंट आ जाता है। फिर 5:54 शाम को 6 बजे जब ग्लोबल मार्केट ओपन वाला होने वाला है, मूवमेंट आने वाले हैं उस वक्त, वो लास्ट हम देख सकते हैं 7:54 को। 7:54 के चांस लास्ट वाले वो अवॉइड भी कर सकते हैं, उतना ज़रूरी नहीं है। और अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं, थोड़ा सा हम एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं और हम फास्ट एक्शन ले सकते हैं, तो सुबह 10:05 पर बाजार खुलने के ठीक 5 मिनट बाद भी हम अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा तजुर्बा, थोड़ा अनुभव ज़रूरी रहेगा। तो हम हमेशा जो परेशानी महसूस करते हैं कि आपने पोजिशन बना के रखी है निकल में, अचानक से मूवमेंट कॉपर में आ गया, आप उधर सिल्वर लेके बैठे हैं, इधर लेड मिनी जिंक मिनी 1-1.5% से ज़्यादा चलती है, उधर आप एनजी को लेके बैठे हैं, एनजी में थोड़ा बहुत मूवमेंट आया है लेकिन क्रूड में तो 2% का मूवमेंट आया है। तो हमेशा एक डॉस बॉल जैसा गेम चलता रहता है, हम इधर जाते हैं बाजार उधर चला जाता है, हम उधर जाते हैं बाजार इधर चला जाता है। तो बाजार को चारों तरफ से घेरने का एक मेथड ये है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी। हम सारी जो नो कमोडिटीज़ है जिनका MCX में पॉपुलर ट्रेडिंग होता है, सभी लोग उसमें ट्रेड करते हैं, उन नो कमोडिटीज़ को गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, लेड, जिंक, क्रूड, एनजी एंड मेंथा, इन नो कमोडिटीज़ में हम 18 ऑर्डर लगा के रखेंगे, 18 ऑर्डर्स। तो आपको ऑर्डर प्लेस करने की प्रैक्टिस करनी होगी तेज़ी से। ऑर्डर प्लेस करके रख दिया हमने, जो जो टाइम शॉर्ट आ रहा है इन 18 ऑर्डर को प्लेस करने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगने चाहिए, 10 से 15 मिनट। धीरे धीरे ये टाइम कम होकर 5-6 मिनट भी हो सकता है। तो आपने ऑर्डर प्लेस करके रख दिए। ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे? सभी कमोडिटीज़ को जाके स्क्रीन पे लगाया या फिर moneycontrol.com में गए, कमोडिटी प्राइस, इन नो कमोडिटीज़ की प्राइस वहाँ पर दिख रही है, क्लिक किया, उनका ओपन हाई, लो, क्लोज, इंट्राडे चार्ट और सीरीज चार्ट भी दिख रहा है। आपने हाई के ऊपर बाइंग या ATP के ऊपर बाइंग जो भी करीब हो, लो के नीचे या ATP के नीचे सेलिंग जो भी करीब हो, आपको ऐसा समझना है कि 880 पे चल रहा है निकल, उसका हाई है 892 12 रुपये ऊपर, लेकिन ATP है 884, तो 884 पे बाइंग लगाइए। इधर 876 का लो, 876 के नीचे बाइंग लगाइए, वे सेलिंग लगाइए, लो के नीचे सेलिंग। आप देख रहे हैं कि हमारे दोनों ऑर्डर करेंट मार्केट प्राइस से लगभग 4-5 रुपये की दूरी पे, 880 पे चल रहा है, 876 के नीचे स्टॉप लॉस सेलिंग है, 884 के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग है, हाई को छोड़ दिया 892 को क्योंकि वो बहुत दूर था, हमने ATP का इस्तेमाल कर लिया, एवरेज ट्रेडेड प्राइस का। बस यही कंसेप्ट हर जगह ध्यान रखना है आपको, निकल में, कॉपर में, सबके मिनी लॉट्स में बात कर रहे हैं, निकल मिनी, कॉपर मिनी, लेड मिनी, जिंक मिनी, सिल्वर माइक्रो, गोल्ड मिनी, क्रूड और मेथाइल नेचुरल गैस में मिनी लॉट्स नहीं है। आप इनको पहले पेपर ट्रेड कर सकते हैं, बाद में आप इनमें अपनी एक्चुअल पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, इसको पहले आप 7-8 दिन के लिए पेपर ट्रेड ही कीजिए, फिर आप देखिए कि आपने जो ऑर्डर लगा रखे थे सारे एक साथ तो एक्टिवेट होंगे नहीं। तो सेक्टर वाइज चीज़ें हो सकती है कि बुलियन में मूवमेंट आया तो गोल्ड सिल्वर के दोनों के सौदे हो गए, फटाफट जो मिल रहा है बुक करो, बाहर निकलो। आप पहले से
0.4% से 0.8% का सेलिंग ऑर्डर भी लगा के रख सकते हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाए, सीधा मूवमेंट हुआ, जब हाई टूटा तो उससे आधा परसेंट तक और जाने के चांसेस हैं, वहाँ बुक किया, बाहर निकले, अपने आप ही बुक हो गया क्योंकि ऑर्डर लगा हुआ था। सिल्वर, गोल्ड, जो भी प्रॉफिट आ रहा है मौके पे 10 मिनट में बुक किया, बाहर आ जाओ। प्रॉफिट नहीं आ रहा है, वापस कॉस्ट पे आ गई चीज़ें, बुक करो, बाहर आ जाओ। तो रुकना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं रुकना है, क्योंकि रुके तो ये पूरा मेथड फेल हो जाएगा। तो एट ए टाइम 2-3 जो ट्रेड हो रहे हैं, फिर वेस्ट मेटल में मूवमेंट आ गया, कॉपर, निकल, लेड, जिंक में एकदम से सोते हुए, फटाफट जिसमें जो मिलता जा रहा है, इधर देखा आप निकल 6.7 पॉइंट ऊपर गया, बुक किया, बाहर निकलो। कॉपर 1.5 पॉइंट ऊपर गया, बुक किया, बाहर निकले। लेड मिली, जिंक मिली, 50-60 पैसा मिला, बुक किया, बाहर निकले। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट सब जगह से इकट्ठा होता जा रहा है। बाय द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे 3 से 4 हज़ार रुपया आपका इकट्ठा हो गया। जब लीड मिनी और नेचुरल गैस और मेथाइल को जब आपने इसमें शामिल कर लिया, तो आपके प्रॉफिट का आंकड़ा सीधा 2-3 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, क्योंकि मेथाइल और नेचुरल गैस दिन में ही आपको 3 हज़ार रुपये दे सकते हैं, उनमें दिन में ही मूवमेंट आ जाता है, और उनमें ये मेथड सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। बाकी चीज़ों में तो कभी मूवमेंट आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ मूवमेंट आते ही हैं। अब आप अगर 9 सौदे करेंगे या 7 सौदे करेंगे, तो 5 में टारगेट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, 2 में स्टॉप लॉस टूटेगा, और लॉस बुक करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। 0.1-0.2% का भी लॉस दिख रहा है, लॉस पे भी चीज़ें जा रही है, फटाफट बेचो बाहर। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि चीज़ें ऊपर गई और वहाँ से सीधी नीचे चली गई और दोनों तरफ के बड़े बड़े मूव बना दिए। ये सिर्फ होता है कहाँ पर, इन्वेंट्री के टाइमिंग पे। तो ये मेथड आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। आपको एक्यूरेट और फास्ट ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ना तो आपके अंदर कोई डर आना चाहिए, ना ग्रेड आना चाहिए, लालच बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अचानक से ये चीज़ भाग जाएगी और मुझे रुकना चाहिए, तो वो अलग से ये सारी चीज़ें क्लोज करो और उसमें ट्रेड करो, ये अलग बात हो सकती है। अगर आपको ये सारे पोजिशन में ऐसा लगा बाज़ार में कोई बड़ी उठापटक हो गई और पता नहीं क्या मूवमेंट आ रहे हैं, F3 से सारे ऑर्डर सामने आ जाएंगे, पेंडिंग ऑर्डर, शिफ्ट F3 से सारे ऑर्डर एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह का जाल हमने फैला रखा है, ये नॉर्मल मूवमेंट वाले मार्केट के लिए ठीक रहेगा। और एक या दो कमोडिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट आ रहा है, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर दिन कोई एक या दो कमोडिटी में मूवमेंट आता ही है। बस फ़र्क ये होता है कि हम उनको नहीं पकड़ पाते, हमारा ध्यान कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि हम हमेशा अटैचमेंट डिटैचमेंट की बीमारी से जुड़े हुए हैं। अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी में काम कर रहे हैं, तो 2-3 दिन तक लगातार हम उसी में लगे रहेंगे, तब कोई दूसरी कमोडिटी भाग निकलेगी, फिर 2 दिन पैसे लग गए तो हम डिटैच हो जाएंगे उससे, बोले हम हाथ ही नहीं लगाते, इसको बेकार चीज़ है, और फिर उसमें मूवमेंट आ गए, अच्छे कमाने का दिन था, तब आप उससे दूर खड़े हो गए। तो ये जब सारी कमोडिटीज़ को कवर करके ये काम आप करते हैं, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो इन 4 टाइम स्लॉट में से पर्टिकुलर 2 टाइम स्लॉट्स को आप चुन सकते हैं। तो फिर मैं कहूँगा आप सुबह 11:54 ले लीजिए, शाम का 5:54 ले लीजिए, ये दोनों काफ़ी है। सुबह ट्रेड किया, 10-20 मिनट में फ्री हुए, सारे ऑर्डर हटाए, चले गए, शाम को फिर ऑर्डर लगाए, 1 घंटे तक देखा, जो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए उनका प्रॉफिट बुक किया, सारे ऑर्डर हटाए, चले गए। ऑर्डर मैनेजमेंट में गलती मत कीजिएगा, और शुरू में पेपर ट्रेड कीजिए, फिर धीरे धीरे बहुत छोटे वॉल्यूम में काम कीजिए, गलतियाँ आपसे होगी ही, मैं कह रहा हूँ। तो शुरू से बड़े बड़े मल्टीपल लॉट्स में काम करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आप मेथड को ब्लेम करने लग जाएंगे। जब नुकसान बड़ा या फ़ायदा बड़ा हो जाता है, तो आदमी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो सीखना उसका रुक जाता है। हमारा काम है पहले सीखना। बाज़ार कहीं नहीं जा रहा, आप कहीं नहीं जा रहे, हम कहीं नहीं जा रहे, पूरी ज़िंदगी कमाएंगे हम साथ साथ। थैंक यू वेरी मच। फ़ोन के लिए, क्लास के लिए फ़ोन करते रहिए, टाइम लेके, और डिटेल में हर चीज़ की प्रैक्टिस करें। बाय।